बेटा कभी रहम नहीं करता। बुरे लोग उसके शिकार हैं। और हम उनके शिकारी। बच्चों, तुम्हारी मां नहीं रही क्योंकि आपने उन्हें हमसे दूर कर दिया था। वो कमजोर थी, दिमाग से बीमार थी। तुम मेरा धंधा जानते हो, है ना? असली ताकत दिमाग में होती है। अगर तुमने कमजोरी दिखाई तो दुश्मन तुम पर हावी हो जाएगा। चलाओ, गोली चलाओ। वो अपनी माँ की तरह कमजोर है, मरने दो उसे। उस दिन क्या हुआ था? मैंने मौत को रूबरू देखा था और उस दिन पहली बार मैंने खुद को पहचाना था। इस हंटर का क्या किस्सा है? कहते हैं अपने शिकार को ढूंढने के लिए वो जानवरों का सहारा लेता है। एक बार जो उसकी नजर में आ गया फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। हम फिलहाल 6 हैं और तू बिल्कुल अकेला। मैं अकेला ही काफी हूँ। शिकार क्यों करते हो? मेरा बाप दुनिया में बुराई फैलाता है और मैं मिटाता हूँ। विलन्स पैदा नहीं होते। खुद को मसीहा समझता है तो बिल्कुल हमारे बाप जैसा है जो इनाम के लालच में शिकार करता है। बल्कि बनाए जाते हैं। हम कातिल हैं, यही तो उन्होंने सिखाया था। दोबारा मेरे साथ ऐसा नहीं कर पाओगे। मिस्टर टैकलिंग कहाँ है? वो दूसरी पर तो खड़ा है। तुम तो एकदम पागल हो। अच्छा, तुम्हें यह अब पता चल रहा है? क्रिवन द हंटर। हम सबके अंदर एक जानवर होता है। तुम जानना नहीं चाहोगे लोग मुझे राइनो क्यों कहते हैं? चलता रहा है।